नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिल्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां इमरती देवी ने दिया बड़ा बयान। जी हां, कांग्रेस की हार के बाद इमरती देवी ने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा ईवीएम पूरी तरीके से हैक की गई थी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा कि महाराजा ऊर्जावान नेता हैं, सभी की मदद करते हैं, चाहे गरीब हो या पिछड़े। राहुल गांधी उन्हें कांग्रेस में कोई अच्छा पद दे जिससे कि कांग्रेस मजबूत हो सके। सवाल नहीं, ये हकीकत है। कई जगह से हम पे फोटो भी आए, वीडियो भी आए मशीनों के अगर हाथी का बटन दबा रहे तो दब फूल कर रहा। ऐसा ये हर ईवीएम मशीन के कारण हुई, हमारी जनता के कारण नहीं हुई। हमारी जनता ने पूरा फुल वोट दिया हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे गुना हो और चाहे मुरैना हो। ये तीन चार सीटों की तो मैं कह सकती हूँ कि ये हमारी तीनों सीटें जीत रही थी और भोपाल की सीट भी हम जीत रहे थे। लेकिन जब ईवीएम मशीन की कलाकारी है कि हम चुनाव हारे। अच्छा, आपने भी मांग किया कि महाराज की जो हार हुई है उसको लेकर अब उनको अच्छा प्रतिस्थापित करना है दोबारा से, तो मध्य प्रदेश में क्या जिम्मेदारी है? आप जानते हो, आपने सभी ने देखा है और प्रदेश भर जानता है कि ज्योतिराज सिंधिया एक ऊर्जावान नेता हैं, एक विकास के मसीहा हैं और अच्छे काम करने वाले हैं। गरीबों की, पिछड़ों की, सबकी, एससी के लोगों की, महिलाओं की, सबकी बात अच्छे से सुनने वाले हैं। तो ऐसे नेता को कोई अच्छी कमान मिले तो आगे 5 साल तक अच्छे अच्छे काम प्रदेश में होंगे। तुम ऑथेंटिक मानते हो क्या? सोशल मीडिया पे कब से चल रहा है? सोशल मीडिया कब किसी को भी हटा के किसी को बीजेपी में